आपके सामने इन मैडम का सच सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी भी विश का? विश का आ रहा ना, इसकी जान हमेशा खतरे कुछ ना कुछ होता ही रहता है एंड बट बच जाता है बस हीरो यार इसे कौन मारेगा अभी और मैं मुझे इसका और खून पी लें तो इतनी जल्दी तो कुछ होने वाला है नहीं इसको। अच्छा हमें लग रहा था दोनों हाथों में लड्डू लेकिन दोनों हाथों में जहर है आपकी, ये भी खून चूसना चाहती है और वो तो मारना ही चाहती है। मेरी मेरे ऊपर मौत का साया हमेशा मंडरा ही रहा है जब से मैंने ये शो ज्वाइन किया है, कुछ ना कुछ होता है तो लेकिन कहीं ना कहीं बच ही जाता है। तो इस पोर्शन में कुछ तो बहुत अच्छा फंसा के बैठा है, है मेरे पास की चीज़ है। सो विशाखा को वो चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए बट चुपके उसी को पड़े। अच्छा लेकिन इनको बकरा बनाने की क्या जरूरत थी? प्रोमो में हमने देखा कि लिटरली बेचारे सर घूम के पड़े हुए हैं और पीछे से खाती हैं विशाखा बेचारी। वही बता रही है ना, विशाखा को वो नागमणि चाहिए जो मेरे सर में है और इसे तो उस बारे में पता ही नहीं है, इसका कुछ बदला अलग ही है। तो लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से बच जाता है अतीर, तो ये है भाग्य का खेल। आपने बचा तो लिया बट विशाखा कुछ ज्यादा ही गुस्से में आके मंदिर वंदिर भी जलाने वाली है, ऐसा कुछ भी सीन है? इतना गुस्सा होने आ जाता है आप दोनों पर, रूप बदल के किसी को किडनैप कर लिया है और विशाखा कैन बिकम एनीथिंग, वो तुम भी बन सकती हो, वो कुछ भी बन सकती हो, सबका पागल बना रही है यहाँ पे बट देन अब पता नहीं है विशाखा खड़ी है यू डोंट नो, अब ये नहीं पता है फेक ब्रिंदा खड़ी है यू नेवर नो बट देन एक्चुअली वो दो सांप है। अच्छा एक लास्ट सवाल, ये किसी से मिल भी रही है आज हमने देखा बाहर किसी से मिलने ही है, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से। हाँ। और आपके मन के अंदर बहुत जलन आ गई है उस चीज को लेकर? मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है कि मतलब देव सोच रहा है कि ये लड़की प्रेगनेंट भी हो गई है। बताओ तो ये प्रेग्नेंट भी है और किससे मिलती है कुछ बताती नहीं है, कभी पंडित से मिल रही होती है, कभी कोई रैंडम सा लड़का होता है जिससे बात कर रही होती है, कभी नाश्ता के छोड़ के चली जाती है, तो कोई भी हस्बैंड होगा वो परेशान ही हो जाएगा। पेशेंस लेवल देव का आई डोंट थिंक किसी और का होना चाहिए, मतलब जो इसने कुर्बानी दी है ना, मैं किसी के पे भी बच्चे को अपना नाम दूंगा विच इज लाइक ग्रेट मैन। असली में तो तोड़ ताड़ के यू नो रिलेशनशिप खत्म करके आदमी मिले भी ना दोबारा, नेक्स्ट लेवल है, ये अलग ही लेवल है। ये मैं टेलीविजन की बहुओं वाले गुना है, ये फैन शक्ति मैं दूंगा, की बहुओं की गुना है, किसी का भी बच्चा मैं दूंगा अपना नाम, ही विल बी देव पारेख। ओके काफी भगवान जैसी, कभी कभी तो लगता है मैं ही भगवान हूँ। थैंक यू गाइस, हो भी सकते हैं नागिन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।